किसी भी पोर्ट्रेट में कलर शेड्स करने के लिए आपको कलर पेंसिल को इस तरह से पकड़ना है। देन इसके बाद आपको इस तरह से धीरे धीरे अपने हैंड को मूव करते रहना है और इस तरह से शेडिंग करनी है। और आपको ये बहुत ही लाइट हैंड के साथ इसमें शेडिंग करनी है। अब सबसे पहले हम इसमें लाइट कलर शेड्स कर लेंगे इस ब्राउन कलर की हेल्प से। इसी तरह से हम इनकी जो ये वाली आंखें हैं हम इनमें कलर शेड्स करेंगे। देखिए जो इनकी आंखों का आईबॉल है हमने इसमें फर्स्ट लेयर कर दी है। अब दोस्तों हम इसी कलर शेड से इसमें थोड़ी सी डायमेंशंस देंगे, जैसे कि इधर साइड थोड़ा सा डार्क करेंगे इस तरह से, और आपको ये थोड़ा सा डार्क थोड़े प्रेशर्स के साथ करना है जिससे कि एक इसमें राउंडिटी आ सके। अब इसी तरह से सेम हम इनकी ये वाली आंख में कलर शेड्स करेंगे। अब आपको ब्लैक कलर पेंसिल लेनी है। अब हमारे रेफरेंस में जहां पर डार्क है, जैसे कि इधर पार्ट में डार्क है और इधर साइड के एरिया में भी डार्क है, तो हम इस डार्क कलर पेंसिल से इसमें डार्क कलर शेड्स करेंगे। अब सेम इसी तरह से हम इनकी ये वाली आई में भी कलर शेड्स करेंगे। अब हमने ये वाली शेडिंग तो कंप्लीट कर दी है दोस्तों। अब हम इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए इस पॉइंटेड ब्रश का यूज करेंगे, क्योंकि ये पॉइंटेड ब्रश इस कलर शेड्स को अच्छे से ब्लेंड कर देगा। तो आपको इसको कुछ इस तरह से पकड़ना है, देन इसके बाद इस तरह से अपने हैंड को मूव करते रहना है और शेडिंग को इस तरह से ब्लेंड करना है। अब दोस्तों ये ब्लेंड हो चुका है और देखिए इसमें कितनी ज्यादा सॉफ्टनेस आ चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो छोटी सी हाइलाइट्स हैं और ये वाली हाइलाइट्स हैं, इन्हें लगाने के लिए हम या तो टॉम बोमोनो जीरो इरेजर का यूज कर सकते हैं, या फिर मैंने इरेजर बनाई थी, हम इसकी हेल्प से इस हाइलाइट्स को लगा सकते हैं। देखिए आपको बहुत ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा रफ करना है तो इस तरह से हाइलाइट्स हो जाएगा। सेम आपको ये इधर भी करना है इस तरह से। अभी हाइलाइट्स भी हो चुका है। अब इसमें छोटे छोटे जो डॉट हाइलाइट्स होते हैं उन्हें लगाने के लिए हम इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज करेंगे। आपको कुछ इस तरह से हाइलाइट्स लगा लेनी है। सेम आपको इधर भी ऐसे ही करना है, इस तरह से आपको हाइलाइट्स लगा लेनी है। और जो ये इनकी आईब्रो और ये आईलेसिस है हम इन्हें बनाने के लिए हम इस डार्क ब्राउन कलर का यूज करेंगे। और आपको जिस तरह से आपको रेफरेंस में दिख रही है आपको इस तरह से बना लेना है। अब हम इसी के साथ साथ ब्लू कलर का भी यूज करेंगे। जो इनकी स्किन का टेक्सचर है वो ब्लू कलर का भी है और पिंक भी है, थोड़ा मजेंटा भी है, तो हम इस तरह से ब्लू कलर का भी यूज करेंगे। आपको इस तरह से ब्राउन कलर के थोड़े पास पास में इस तरह से ब्लू कलर का यूज करना है जिससे कि इसमें प्रॉपर टेक्सचर आ सके। सबसे पहले हम जो इनकी स्किन में ये कलर है इसको बनाने के लिए इस ब्राउन कलर से फर्स्ट लेयर करेंगे। और आपको फर्स्ट लेयर करने के लिए आपको अपने हैंड को इस तरह से धीरे धीरे मूव करना है कुछ इस तरह से, इस तरह से कलर शेड्स करनी है। और आपको अभी प्रेशर्स का अप्लाई नहीं करना है। अब हम इसमें इस ब्लू कलर का यूज करेंगे। देखिए जैसे कि इधर साइड डार्क कलर शेड्स है तो हम यहाँ पर डार्क कलर शेड्स करेंगे, और यहाँ पर लाइट कलर शेड्स है तो हम यहाँ पर लाइट कलर शेड्स करेंगे। सेम आपको इधर नीचे भी ऐसे ही करना है। अब हम इसमें इस ब्लू कलर से कलर शेड्स करेंगे जिसमें ये वाली कलर शेड्स है, और देखिए इस तरह की कलर शेड्स है, इसे देने के लिए हम इस ब्लू कलर शेड्स का यूज करेंगे। आपको प्रेशर्स को कंट्रोल करना है। अगर आपने प्रेशर्स को कंट्रोल करना सीख लिया तो आप अच्छे से किसी भी पोर्ट्रेट में शेडिंग कर पाओगे।
अब हम इसमें ये वाली जो मजेंटा टाइप की कलर शेड्स है हम इसको देने के लिए इस लाइट कलर शेड्स का यूज करेंगे। अब दोस्तों इसी तरह से हम इस ब्लू कलर से इनके जो माथा है इसमें कलर शेड्स करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लाइट कलर शेड्स करेंगे और हम लाइट कलर शेड्स करने के लिए इसमें अपने हैंड को इस तरह से मूव करेंगे जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। अब हम इसमें ये वाला जो ब्लू वाला स्किन टेक्चर है ये वाली कलर शेड्स जो है इसे देने के लिए हम इस थोड़े डार्क ब्लू कलर्स का यूज करेंगे। अब हम इसमें लाइट पिंक कलर से कलर शेड्स कर रहे हैं। अब इसी तरह से दोस्तों हम इस ब्लूइश कलर शेड से इधर वाले जो आंखों का पार्ट है हम इसमें कलर शेड्स करेंगे। सेम आपको इसमें भी यही प्रोसेस का अप्लाई करना है। जहां पर लाइट कलर शेड्स है वहां पर आपको लाइट हैंड के साथ लाइट कलर शेड्स करनी है और जहां पर डार्क कलर शेड्स है वहां पर आपको थोड़े प्रेशर्स के साथ डार्क कलर शेड्स करनी है अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। देखिए हमने लाइट कलर शेड्स तो इसमें कर दिए है और अब हम इस डार्क कलर शेड से जहां पर डार्क कलर शेड्स है वहां पर हम धीरे धीरे डार्क कलर शेड्स बढ़ाएंगे। अब आपको थोड़ा और डार्क ब्लू कलर लेना है जिसकी हेल्प से हमें इसमें जहां पर थोड़ी डार्क कलर शेड्स है वहां पर हम थोड़ी और डार्क कलर शेड्स बढ़ाएंगे। आपको कलर शेड्स करते टाइम प्रेशर्स को भी कंट्रोल करना है। जो हमारे हैंड का प्रेशर्स होता है आपको उसको अच्छे से कंट्रोल करना है तब आप इसमें अच्छे से कलर शेड्स कर पाओगे। अब हम इसमें इस लाइट पिंक कलर शेड्स का यूज करेंगे जिससे कि जो इनके माथे का जो कलर शेड्स है वो इसमें प्रॉपर तरीके से आ सके। आपको अपने हैंड को बहुत ही लाइट लाइट मूव करना है। आपको बहुत ही धीरे धीरे शेडिंग करनी है। ना तो इसमें एकदम से लाइट कलर शेड्स होने चाहिए और ना ही एकदम से डार्क कलर शेड्स होने चाहिए। ये आपको बैलेंस करके चलना है तब इसमें अच्छे से वाला कलर शेड्स आ पाएगी। आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि मैंने कितनी लाइट कलर शेड्स की है। ना तो वो एकदम से लाइट है और ना एकदम से डार्क है। तो आपको कुछ इस तरह की लाइट कलर शेड्स करनी है। मैंने इनके लिप्स में लाइट पिंक कलर से कलर शेड्स की हुई है। अब मैं इसमें थोड़े डार्क पिंक कलर शेड्स की हेल्प से इसमें इस तरह से आउटर पे कलर शेड्स करूंगा जिससे कि इनमें प्रॉपर राउंडिटी आ सके और ये रियलिस्टिक लगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो इनके हेयर्स है उनको आप किस तरह से बना सकते हो। काफी ज्यादा इजी टेक्निक्स है उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, उसको आपको वेट करना होगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।